एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए हिंदी के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं लेवल का आपको पता चलेगा। बेसिकली हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन पर डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और प्रीवियस अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा मैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भी नोट्स मिल जाएंगे, और साथ साथ आप वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों का जो मेन फोकस रहेगा वो हिंदी लैंग्वेज पर रहने वाला। चाहे लैंग्वेज वन में आप इसको ले, लैंग्वेज वन में आप इसको ऑप्ट करें, या लैंग्वेज टू में भी आप इसको हिंदी ले सकते हैं। जो भी जैसे भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एज पर टू द पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों के सामने, और इसको समझेंगे, देखेंगे भाई क्या मतलब है इन सब क्वेश्चंस का, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमें उनको टैकल करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है, ठंडा दूध पीना लाभदायक होता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, कभी विशेषण वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है भैया। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो अब वापस आते हैं भाई सेंटेंस पर, कि किस प्रकार का सेंटेंस है और क्या बोल रहा है, ठंडा दूध पीना लाभदायक होता है। तो देखो यहाँ पर जो ठंडा वर्ड है वो किसकी विशेषण विशेषता बता रहा है भाई, दूध की विशेषता को बता रहा है यहाँ पर। तो किस प्रकार का यहाँ पर विशेषण हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठंडा दूध पीना लाभदायक होता है। जो ठंडा यहाँ पर फोकस कर रहा है दूध के लिए, तो किस प्रकार का हो गया भाई ये, देखो जिस विशेषण से, ध्यान दो, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण का प्रकट होता है। देखो लिख देते हैं यहाँ पर, जिस विशेषण से संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम का गुण प्रकट होता है, तो वहां पर कौन सा होता है भाई, उसे गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है यहां पर, जिस विशेषण से संज्ञा व सर्वनाम का गुण प्रकट हो रहा है तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे दूध के लिए यहां पर क्या होगा, ठंडा दूध पीना लाभदायक होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें आप गुणवाचक का के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपने यहां पर दिया गुणवाचक के लिए, जैसे अच्छा, ठीक है, चालक, या फिर बुद्धिमान आदि, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात यहां पर, आई होप्स क्लियर हो गया होगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पर बढ़ेंगे भाई, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण दिया गया है। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, समुद्री सांप घातक, समुद्री सांप या कीमती, समुद्री घातक या कीमती, सांप कीमती या फिर जहर, राइट आंसर आपको बताना है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या है सी, समुद्री घातक और कीमती, समुद्री घातक और कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में जो विशेषण है वो कौन कौन से हैं, समुद्री है, घातक है और कीमती है। क्लियर हो गई बात भाई। और यहाँ पर देखो दो चीज़ों का प्रयोग किया गया, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाए। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताए जाती हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ लेते हैं यहाँ पर विशेष्य। ये कई बार आपके लिए रिपीट होगा ये चीज़, तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। तो देखो भाई विशेषण मैंने आपको बताया, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को हम क्या बोल रहे हैं भाई, विशेषण बोल रहे हैं। ये होगी बात क्लियर। विशेष्य क्या है यहाँ पर, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो देखो भाई और बात करें अगर विशेषण की, तो विशेषण के यहाँ पर हमसे भेद भी पूछ लिए जाते हैं, आपको भेद भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से भेद होते हैं यहाँ पर हमारे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, गुणवाचक विशेषण भी होता है हमारे पास में, संख्यावाचक विशेषण भी होता है, परिमाणवाचक
वाचक विशेषण, इसके अलावा सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था उसमें हमारे ऑप्शंस में सारे विशेषण जो दिए गए थे वो क्या है, भेद हैं विशेषण के। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो इसमें सांप, यहाँ पर इस सेंटेंस में सांप और जहर, ये क्या है भाई, यहाँ पर ये विशेष्य हैं। सांप वर्ड और जहर यहाँ पर विशेष्य हैं, और विशेषण क्या है यहाँ पर, समुद्री, घातक और कीमती, ये क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य क्या है, जिनकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर सांप और जहर, इनकी विशेषता बताई जा रही है कि जहर कैसा है, कीमती है। सांप, समुद्री और घातक, क्लियर हो गई बात, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, ओहो कितना अच्छा दृश्य है, दिया गया वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है भाई, ये पहचानना है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मय आदि बोधक है, या फिर इच्छावाचक है। तो देखो भाई ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जब आपने 8th 9th 7th में जब आप जाते हैं तो इस तरीके के प्रश्न आपको हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ड क्या दिया गया, ओहो दिया गया है, यानी कि आश्चर्य प्रस्तुत किया गया है। तो आश्चर्य जब प्रस्तुत किया जाएगा तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विस्मय आदि बोधक प्रश्न हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वाक्य कौन सा बनाइए, विस्मय आदि बोधक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स, ये साइन का प्रयोग किया गया, इस सिंबल का प्रयोग किया गया, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, ओहो बोला गया है। वाक्य सबसे पहले आपको समझना होता है कि वाक्य क्या होता है। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। पहली बात क्लियर हो गई, कौन सा वाक्य आया यहाँ पर, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विस्मय आदि बोधक। क्यों आया, पहली बार हमारे पास ये चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है भाई, किस चीज़ का बोध कराता है, विस्मय आदि का बोध कराता है ये चिन्ह, जहाँ पर भी उपयोग हो जाता है तो वो विस्मय आदि बोध हो जाता है वहाँ पर। तो इस प्रकार के वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ओ हो गया, वाह हो गया, तो इनके सामने ये वर्ड, ये वाला चिन्ह प्रस्तुत किया जाता है, विस्मय आदि बोधक। प्रश्नवाचक क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक जहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता, ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। संदेहवाचक जिसमें संदेह होता है, किसी चीज़ के पूर्ण होने का, अपूर्ण होने का बोध होता है, तो वो संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। इच्छावाचक में क्या होगा, जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है, किसी चीज़ के होने की या ना होने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। या संदेह में क्या होता है, संदेह में डाउटफुल जो उसमें रहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 4, निडर शब्द में किस प्रकार का समास है, ये हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भाई, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, या फिर तत्पुरुष समास। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ मैं। समास पर भी आपको क्लास मिल जाएगी और संधि विच्छेद पर भी मैं थ्योरी वाला चैप्टर लेके आऊँगा, दोनों टॉपिक पे काफ़ी मतलब डिटेल में लेके आऊँगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन अभी तक हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा समास है भाई। सारे समास के प्रकार दे रखे हैं, हम निडर शब्द में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारे पास पहला क्या है, अव्ययभाव समास दिया गया है निडर शब्द में। क्लियर हो गई बात, समास को समझते हैं क्या होता है। तो देखो समास में दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन शब्द या फिर एक नया शब्द जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम समास बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने कोई एक नवीन शब्द या नया शब्द बन रहा है, या फिर कोई एक सार्थक शब्द के बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम समास कहते हैं। तो निडर शब्द को अगर हम निडर शब्द का समास विग्रह करें, यानी कि इसको तोड़ के देखें हम, समास विग्रह करने का मतलब क्या है, इसको तोड़ के अगर हम देखें निडर शब्द को, तो क्या होता है, डर के बिना, या जिसको डर ना लगे, जो डरता नहीं हो, या डर के बिना, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिस समास में, ध्यान देना, जिस समास का पूर्व पद, जो प्रथम पद होता है जिसको हम बोलते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय हो, तो उसे वहाँ क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, जिस समास का पूर्व पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, और वह क्या हो, अव्यय हो, तो अव्यय भाव समास हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
गंगोदक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बोला था संधि के लिए भी हम थ्योरी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर देखते हैं, पहले गंगोदक शब्द दिया है, संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस ओदक, या गंगा प्लस उदक, या गंगा प्लस ऊदक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गंगा प्लस उदक। तो भाई संधि विच्छेद पूछा गया था गंगोदक शब्द का, तो देखो गंगा गंगा जमा उदक किस प्रकार की संधि है ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो ये भाई गुण संधि का उदाहरण है ये, गंगा जमा उदक। अब इसका क्या होता है, रूल होता है भाई, कि रूल क्या होता है गुण संधि में, गुण संधि का जो नियम होता है, देखो गुण संधि में जो नियम प्रयुक्त होता है वो होता है आ प्लस ऊ, ठीक है, आ प्लस ऊ, आ कौन सा, बड़ा आ और ये छोटा ऊ, ठीक है। जब भी ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए, या ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो दोनों जो मिलने के बाद ओ बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, ओ बन जाता है यहाँ पर। तो गंगा आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखो, और छोटा ऊ आ गया, तो ये बन गया हमारा कैसा गुण संधि। अब इसके मिलने से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, गंगोदक। अब ध्यान दे रहे हो भाई, मैंने आपको यहाँ पर नियम लिख दिया है, आ प्लस ऊ क्या मिलके बना रहा है, ओ बना रहा है, ठीक है, या फिर ए या आ, यहाँ पर बड़ा आ है, छोटा ए भी हो सकता था, ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऊ आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, क्या मिलके बनाए, ओ बनाए, तो गुण संधि हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है, वाक्य में विशेषण क्या है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ताजमहल है विशेषण, एक सुंदर या फिर इमारत, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, कौन सा वर्ड जो है इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो सुंदर शब्द है वो क्या है यहाँ पर, विशेषण है। क्लियर हो गया बात, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है भाई। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो सुंदर क्या है, एक विशेषता बताई जा रही है, दिए गए शब्द में सुंदर शब्द जो है विशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो इस सेंटेंस में अगर हम विशेष्य पूछें तो क्या है, ताजमहल हो जाएगा भाई, ताजमहल की ही बात करी जा रही है, ताजमहल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सुंदर इमारत है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। विशेषण मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यहाँ पर कौन सा विशेषण यूज हुआ है सेंटेंस में, कौन सा वर्ड विशेषण है, वो हो गया हमारे पास सुंदर हो गया है। अब देखो विशेषण के मुख्यतः अगर हम बात करें, अभी हमने पीछे भी देखा, तो कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भाई 8 प्रकार के होते हैं विशेषण। क्लियर बात, देखो अभी एक बार रिपीट अगर हम कर लें, इसमें पहला आ गया हमारे पास गुणवाचक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दूसरा हमारे पास आ गया संख्यावाचक, तीसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर परिमाणवाचक। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, 3 हमने देख लिए, चौथा जो प्रकार आता है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके अलावा हमारे पास आता है पांचवा जो प्रकार होता है, इधर लिख देते हैं भाई, व्यक्तिवाचक, ये बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। 6 आपका जो प्रकार आता है वो क्या था, प्रश्नवाचक, ये आप सभी को पता होना चाहिए, प्रश्नवाचक। 7वां जो प्रकार आता है वो है तुलन बोधक विशेषण, और 8वां जो प्रकार आता है हमारे पास वो आता है संबंधवाचक विशेषण। तो कितने प्रकार हो गए भाई, 8 प्रकार हो गए, रिपीट कर देता हूँ, पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक, चौथा हो गया सार्वनामिक, पांचवा हो गया व्यक्तिवाचक, छठा हो गया प्रश्नवाचक, सातवां हो गया तुलनबोधक, और 8वां हो गया संबंधवाचक। तो ये कितने प्रकार हो गए हमारे पास, 8 प्रकार हो गए, आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन डाला है, लेकिन कई बार यहाँ पर गलत हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ऑप्शन ए बोलता है पंडिताइन, बी बोलता है पंडिता, सी बोलता है पंडितानी, और डी बोलता है पंडितायन। तो देखो ये सब मिलते जुलते वर्ड हो गए, कई सारे वर्ड हम इस तरीके के यूज़ करते हैं, पंडित शब्द के स्त्रीलिंग पे पूछा है। देखो भाई पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, जो पुरुष, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग क्या होता है, ऐसे शब्द जो स्त्री होने का या पुरुष होने का,
बोध कराते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं भाई, लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर है हमारे पास पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो पंडिताइन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है। तो लिंग क्या होता है भाई, मैंने अभी आपको बता दिया, अगर हम लिंग की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के पुरुष होने या स्त्री होने का बोध होता है, तो या वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु या नारी या किसी भी मादा जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग क्या है भाई, अगर हम बात करें पुल्लिंग, ऐसी पुल्लिंग में जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग क्या है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति के होने का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आई होप ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं, बैल शब्द में कौन सी संज्ञा आती है ये आपको बताना है। बैल शब्द पूछा गया है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज वन में आप ऑप्ट करो या लैंग्वेज टू में आप ऑप्ट करो, पेपर वन के लिए बात कर लो यू टेट के या पेपर टू की बात कर लो, इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बैल शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जाति मतलब किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर जाति के का बोध करा रहा है ये बैल शब्द जो है किसी एक समूह का बोध करा रहा है, किसी जाति समूह का बोध करा रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है जिन शब्दों से, देखो ध्यान दो, जिन शब्दों से, मैं बता देता हूँ आपको, जिन शब्दों से किसी वस्तु या जाति का बोध होता है, वस्तु या जाति का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी यहाँ पर बैल शब्द लिया तो ये जातिवाचक को बता रहा है, या फिर हम लड़का, लड़का किसे बता रहा है भाई, पूरी एक जाति को बता रहा है। गाय, हाथी, तो ये किसका बोध करा रहे हैं भाई, हाथी लिखा है तो ये किसका बोध करा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है भाई, किसी भाव का बोध कराया जाता है, भाववाचक संज्ञा में किसी भाव का या किसी गुण के बारे में बोध कराया जाता है, बताने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण अगर हम देखें, जैसे प्रेम करना या फिर गुस्सा आना, ये सब क्या है भाई, ये किसी भाव को ही तो बता रहे हैं, भाव यानी कि इमोशंस को तो बता रहे हैं कि आप किसी को प्रेम कर रहे हैं या किसी से गुस्सा कर रहे हैं, तो ये किसी भाव को, ऐसे शब्द जो किसी भाव का बोध कराएं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे शब्द, यहाँ देखो भाई, ऐसे शब्द जिससे उस सामग्री या किसी भी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना, चांदी, सोना या फिर चांदी या फिर लोहा, ये सब क्या है भाई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गए। बात क्लियर हो गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है या वस्तु का बोध हो रहा है या विशेष स्थान का बोध हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हो गया भाई गीता, उदयपुर, ठीक है, तो मतलब स्थान का बोध हो गया। गीता क्या हो गया, कोई एक लड़की का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, विशेष व्यक्ति में क्या है, विशेष व्यक्ति में लड़की है, उसका नाम क्या है, गीता है। उदयपुर क्या है, किसी विशेष स्थान का प्रयोग हो रहा है या विशेष स्थान के बारे में जानकारी मिल रही है तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। बैल क्या है, एक जाति समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक का स्थान का बोध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पर, बच्चा खिलौना से खेलते हैं, ये बच्चा खिलौनों से खेलता है सेंटेंस दिया गया है, वाक्य में कौन सा काल है। अब आप सोचोगे भाई बहुत आसान सा है भाई ये, लेकिन आसान नहीं है। इसके हम ऑप्शंस देखते हैं, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, बच्चा खिलौनों से खेलता है तो ये सेंटेंस ना तो पूर्ण हुआ है, ठीक है, ना ही ये खत्म हुआ है, ना स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि भूतकाल में जा रहा है या भविष्य काल में जा रहा है या हो चुका है या हो रहा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है। बच्चा खिलौनों से खेलता है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के जो काल आता है उसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में इनको रखा जाता है, ठीक है। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है,
वाक्य में खेलना क्या है यहाँ पे, जो ये खेलता है जो का प्रयोग किया गया है, जो खेलना है, जो खेलना वर्ड प्रयोग किया गया है, ये क्या है, प्रस्तुत समय है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रस्तुत समय बोला जाता है इसको। अब प्रस्तुत समय क्या होता है, प्रस्तुत समय वो समय होता है जिसमें ना तो पूर्ण हुआ है समय और ना ही अपूर्ण हुआ है। ठीक है, बच्चा ने खेलना शुरू कर दिया ऐसा भी नहीं पता चल रहा, या बच्चा खेल चुका है ऐसा भी नहीं पता चल रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तुत समय बोला जाता है। ना ही यहाँ पे निश्चितता है ना अनिश्चितता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। न तो वह अपूर्ण है और ना ही वह अनिश्चित है कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। क्लियर हो गई आपको बात। जैसे अब देखो, सामान्य वर्तमान काल जो हमने अभी समझा है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। किस प्रकार का प्रश्न बनता है भाई यहाँ से, कि सामान्य वर्तमान काल के जो है कितने भेद होते हैं, बहुत कितने भेद होते हैं, प्रश्न तो बहुत सारे बन जाएंगे भाई। देखो यहाँ से सामान्य वर्तमान काल जो मैंने बताया, वाक्य में खेलना जो प्रस्तुत समय में है, क्लियर हो रही है बात। इसमें क्या हो रहा है कि ना तो हमें ये पता चल रहा है कि ये अपूर्ण हो चुका है, या फिर ये ना हमें पता चल रहा है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो बच्चा खिलौनों से खेलता है, चल रही है प्रोसेस, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। यहाँ पर कितने भेद होते हैं भाई इसके, अगर हम बात करें तो इसके होते हैं भाई 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेद के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर अपूर्ण, अपूर्ण जो पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में ही चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। थर्ड हमारे पास क्या आता है भाई, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान में चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं। इन नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो टाइप आता है, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। फिफ्थ जो आता है हमारे पास में, वो आता है तत्कालिक वर्तमान काल। और जो सिक्स्थ वाला जो आता है हमारे पास, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कितने भेद हो गए भाई सामान्य वर्तमान काल के, भाई हमारे पास 6 भेद हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, आसान सा क्वेश्चन रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 10, जठराग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जठराग्नि पेट की आग, जल की आग, वन की आग या घर की आग। तो ये राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेट की आग। यानी कि जब आपको पता है कि जब आपको भूख लगती है, तो भूख जिस समय लगती है तो उस जो हमारे पेट में गर्मी से हमें महसूस होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और यही हमारा जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में कार्य करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेट की आग बोलते हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने सेशन में रखे थे। नेक्स्ट सेशन में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करूंगा डेफिनेटली, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें साथ में डिस्क्राइब भी करनी होती हैं, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस रखे, जैसे ज़्यादा लंबा ना हो जाए सेशन। प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। सेशन कैसा लगा, समझ में आया तो कमेंट ज़रूर लीव करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, जिसमें हम यू टेट की कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।